टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई में जो 12 अक्टूबर को जो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ था, उसके वजह से पूरी मुंबई पैरालाइज हुई थी। यहाँ की लोकल ट्रेन सिस्टम, यहाँ का स्टॉक मार्केट, यहाँ के हॉस्पिटल्स, पूरा जनजीवन उसमें प्रभावित हुआ था। उसके बारे में MSEB ने उनके लेवल पे कुछ जांच की और इसमें क्या हो सकता है, इसकी आगे जांच होना चाहिए करके उन्होंने IG साइबर क्राइम को एक काम दिया था। आपको पता है कि 28 फरवरी को अमेरिकन जो फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी, इनका रिपोर्ट एक उन्होंने जारी किया है और ये रिपोर्ट में उन्होंने बोला है, ये रिपोर्ट में उनका कहना है कि शायद चाइना ने मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉलवेयर को इंट्रोड्यूस किया हो, मॉलवेयर मीन वायरस को इंट्रोड्यूस किया हो। इस प्रकार का प्रयास दिखता है, इस प्रकार का फाइंडिंग रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी अमेरिका ने अपने फाइंडिंग दिए थे। उसी फाइंडिंग को आज के न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसके बारे में उसको जो एंडोर्स किया है। और महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने जो, और जो एक्सपर्ट है BGTI के एक्सपर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के या बाकी सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है और खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो MSEB की है, उसका जो एनालिसिस किया, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। उसमें नंबर एक कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस मॉलवेयर सर्वर में डाले गए क्या या डाले जा सकते। उसी प्रकार 8 GB का डाटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर से वहां पे MSEB के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है या शायद हुआ होगा, इस प्रकार की भी आकांक्षा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी है। और तीसरा, सेवरल ब्लैकलिस्टेड IP कंपनीज या रेटिंग एजेंसीज, इन्होंने शायद MSEB के सर्वर में लॉगिन के अटेम्प्ट किए हो, इस प्रकार की भी फाइंडिंग्स जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और ENY ये जो कंपनीज है, इनके जो फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि शायद 12 अक्टूबर का जो लॉकडाउन हुआ, शायद इसके वजह से हो सकता है, ऐसे इनके फाइंडिंग्स है। इसका पूरा रिपोर्ट साइबर क्राइम ने दिया है और ये पूरा रिपोर्ट हम हमारे सहकारी मंत्री माननीय नितिन जी राउत इनको सौंप रहे हैं, ताकि आगे गए इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से इंक्वायरी हो सकती है, इसके बारे में जरूर हमारे सहकारी मंत्री काम करेंगे। एक मी सांगितलं ना की रेकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी अमेरिका ही नोन कंपनी आहे अमेरिकेची, त्यांनी असं म्हटलंय त्यांच्या रिपोर्टमध्ये की बहुतेक चायनानी
मुंबईच्या इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काही मॉलवेअर म्हणजे काही व्हायरस इंट्रोड्यूस केले असू शकते अशा पद्धतीचं त्यांचं फाइंडिंग्स आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये सुद्धा त्याचा आजच्या तारखेच्या न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. वॉल स्ट्रीट जनरल जे आता आहे त्यांचासुद्धा इश्यू आलेला आहे, त्यामध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांनी शक्यता दर्शवलेली आहे चायनाकडे. हमारे फाइंडिंग में जो चीज़ें आई है उसमें कुछ फॉरेन कंपनी ने इस प्रकार की चीज़ें करने का अटेम्प्ट किया है. अब कौन सी एक किसने किया अभी और उसकी आगे जांच हम करेंगे. उसकी आज जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उसके ऊपर काम कर रही है. जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हम हमारे सहकारी मंत्री नितिन राउत को हम दे रहे हैं और वो जो आदेश देंगे उस हिसाब से आगे काम फर्दर इंक्वायरी का चलेगा. मैं कैसा है, मैंने सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम का रेफरेंस दिया है. मैंने रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी अमेरिका का मैं रेफरेंस दिया है. उन्होंने रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी इंडिकेशन दिया है शायद चाइना ने ये काम किया हो, ऐसा इंडिकेशन उन्होंने दिया है. हमारे फाइंडिंग का एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है. अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसमें और आगे माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में बोलेंगे कि आगे और इस जांच को कंटिन्यू करना है कि नहीं. अब आगे जैसी जैसी जांच होंगी सब चीज़ें सामने आएगी.